वेरिएबल्स कंटेनर की तरह होते हैं, वो कंटेनर जिसमें हमारे घर का सामान रखा जाता है। अगर आपके घर में भी आटा दाल चावल कंटेनर में रखा जाता है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन ये सब जावास्क्रिप्ट से कैसे रिलेटेड है? जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कंटेनर होता है जिसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के अंदर अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स को स्टोर किया जा सकता है, जैसे कि स्ट्रिंग को आप लोग स्टोर कर सकते हैं, आप लोग एक नंबर को स्टोर कर सकते हैं, आप लोग एक एरे को स्टोर कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट में होता क्या है, बनाते कैसे हैं, और एक दो सैंपल प्रोग्राम्स भी लिखेंगे वेरिएबल्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक खूबी होती है जिसके तहत आप लोग वेरिएबल्स का टाइप रन टाइम में चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर एक स्ट्रिंग आपने बनाई जावास्क्रिप्ट के अंदर, आप लोग उसी वेरिएबल के अंदर बाद में एक नंबर स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद एक एरे स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। इसे कहते हैं डायनामिकली टाइप लैंग्वेजेस। डायनामिक टाइपिंग का मतलब होता है कि रन टाइम पर आप लोग चेंज कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का टाइप। लेकिन स्टैटिक टाइपिंग का मतलब होता है कि आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये वेरिएबल किस प्रकार का है, इंटीजर है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, क्या चीज़ है, और उसके बाद ही आप उस पर कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो। एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज का एग्जांपल सी लैंग्वेज होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो होती है वो डायनामिकली टाइप्ड होती है, क्योंकि वो रन टाइम पर किसी भी वेरिएबल के टाइप का चेंज करना अलाउ करती है। हम लोग अब चलेंगे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और देखेंगे कि ये सारी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। एक्शन भी देखेंगे, एक रैपल बनाएंगे, उस रैपल के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इन सारे कामों को किए जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार पिछले वीडियो में आप में से कई लोगों को स्वाद आ गया और आप में से कई लोगों की आत्मा भी तृप्त हो गई और मुझे काफ़ी दिल से अच्छा लगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक नई रैपल बनाएंगे, ठीक है। बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग रैपलेट पर फॉलो भी कर सकते हो लोगों को, और मुझे आप लोगों में से कई लोगों ने फॉलो किया, और अगर नहीं किया तो रैपलेट पर फॉलो कर दो, काफ़ी दिल से अच्छा लगता है जब आप लोग फॉलो करते हो तो, ठीक है। दिल से बुरा लगता है भाई। तो यहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, रैपलेट के अंदर। अब यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक करूँगा और एक रैपल क्रिएट करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए, और यहाँ पर सिंपली मैं लिखूंगा node.js सेलेक्ट करूंगा। node.js सेलेक्ट करने के बाद इसका नाम मैं रखूंगा 02_variables एंड डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल्स रखता हूँ अभी फिलहाल के लिए इसका नाम, और क्रिएट रैपल पर क्लिक करूंगा। और इस रैपल को डेफिनेटली मैं डालना चाहूँगा अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स वाले फोल्डर के अंदर, ताकि चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज रहें। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ कोड आप लोगों को लिखकर दिखाऊंगा, और उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारी जो PDF है उसको खोलूँगा जो कि मैंने आप लोगों को दे रखी है। तो यार देखो, बहुत ही बेसिक समझा रहा हूँ आप लोगों को, और इतनी स्टार्टिंग से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई प्रोग्रामिंग बिगिनर है तो उसको भी समझ में आ जाए। जैसे कि एक डब्बा होता है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा डब्बा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ईयरफोन मैंने रखे हुए हैं, ये ठीक है, तो ये कंटेनर है एक तरह से। इसके अंदर मैंने ये डाल दिए, देखो ईयरफोन, ठीक है, ये डाल दिए ईयरफोन, ये डाल दिए, ये बंद कर दिया डब्बा, ठीक है। तो जिस तरह से ये डब्बे के अंदर ईयरफोन आ सकते हैं, क्या इस डब्बे के अंदर ये फ़ैन आ सकता है क्या? डब्बे के अंदर नहीं आ सकता यार, इस छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर फ़ैन कैसे आ सकता है, ठीक है, नहीं आ सकता। क्या ये आ सकता है? एसी का रिमोट आ सकता है इस डब्बे के अंदर? कभी नहीं आएगा, ठीक है, ना ये आ सकता ना, मतलब क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या क्या डालूं यहाँ पर मैं, कुछ नहीं आ सकता। तो जिस तरह से इस डब्बे के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कुछ डब्बे होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा डाल सकते हो। ये जो डब्बे होते हैं, कंटेनर होते हैं, इनको हम वेरिएबल कहते हैं। इसके अंदर या तो आप नंबर डाल सकते हो, या फिर आप लोग स्ट्रिंग डाल सकते हो, जैसे कि किसी का नाम हो गया, या फिर आप लोग इसके अंदर एक कलेक्शन डाल सकते हो, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ नंबर एंड स्ट्रिंग्स। तो सिंपली एक कंटेनर होता है वेरिएबल जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब ये जो कंटेनर होता है वो क्या होता है, वो मेमोरी के अंदर कुछ जगह होती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक रूम पड़ा हुआ है, उस रूम के अंदर मैं बहुत सारे खाने बना सकता हूँ, बहुत सारी जगह बना सकता हूँ। तो रूम को आप समझ सकते हो पूरी मेमोरी है आपकी, यानी कि रैम है, और वो जो छोटी छोटी जगह आपने बनाई है सामान रखने के लिए, वो क्या है, वो आपके वेरिएबल्स हैं। यहाँ पर वही लिखा है मैंने, जस्ट लाइक वी फॉलो सम रूल्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश द ग्रामर, वी हैव सम रूल्स टू फॉलो वाइल राइटिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, द सेट ऑफ दीज रूल्स इज कॉल्ड सिंटैक्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसी को सिंटैक्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगर मैं यहाँ पर console.log लिखूं और मैं लिखूं दिस रैपल कंटेन्स कोड फॉर द अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स वीडियो नंबर 2, ठीक है, इस तरह से अगर मैं लिखूं और इसको रन करूं तो यहां पर ये प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो मैं यहां पर console.log की जगह console.tulu लिख दूं, ठीक है, मान लो लिख दूं,
तो क्या ये रन होगा? अबे नहीं होगा यार रन, ठीक है एरर आएगा देख लो। मतलब बहुत सारे लोग एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए होंगे यार ये कोई फंक्शन तो नहीं होता है कंसोल डॉट टुल्लू नाम का। नहीं यार नहीं होता, मैं बस ये दिखा रहा था कि गलत सिंटैक्स आप लोग चलाओगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। और अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी लिखने के लिए बैठ गया, हाय हाउ आर यू, और मान लो मैंने यहाँ पर कुछ फालतू की चीज़ें डाल दी प्रोग्राम में, ऊपर की लाइन ठीक है लेकिन उसके बाद मैंने फालतू की चीज़ें डाल दी, मैंने कंसोल के बीच में कुछ लिख दिया ऐसे ऐसे करके, तो पता है ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा अब तो कद्दू भी ना चलूंगा मैं, ठीक है। देखो एरर दे रहा है बुरी तरह, कह रहा है भाई क्या लिख दिया, क्या 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 खा के आ गए हो, क्या पी के आ गए हो, ठीक है क्या सूंघ लिया, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा करेक्ट कर देता हूँ कोड को, ये करेक्ट कोड है, इसको चलाऊंगा तो चल जाएगा। तो इसी तरह से जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर हमें फॉलो करने पड़ते हैं कुछ रूल्स कभी भी अगर आप लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हो अपने प्रोग्राम को, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी जो मेमोरी होती है, जो कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊँ कहाँ पर है, परफॉर्मेंस पे जाऊँ तो यहाँ पर देखो मेरी 64 GB लगी हुई है रैम, बहुत सारे लोगों की 1 GB भी लगी हुई होगी, बहुत सारे लोग मोबाइल में देख रहे होंगे जिसकी कितने होती है 512 भी होती है शायद मोबाइल में, मोबाइल में क्या लैपटॉप में होती है यार 512, ठीक है। बहुत सारे लोग चलाते हैं, मेरे पास पड़ा एक 512 का लैपटॉप, तो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप 512 MB का लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, 64 GB जैसे कि मेरी रैम आप लोग को यहाँ पर दिख रही है वो यूज़ कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी मेमोरी होगी। इस मेमोरी के अंदर ही वेरिएबल्स को बनाया जाता है जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। जब हम रैपलेट इस्तेमाल करते हैं तो रैपलेट तो अपना क्लाउड पे चलता है तो इसमें ये चीज़ लागू नहीं होती है, तो क्लाउड पे जो मेमोरी है वो रैपलेट यहाँ पर एलोकेट करता है। मैं रैपलेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ? ताकि सब लोग जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास लैपटॉप जो है स्लो है जिनका, वो लोग भी फॉलो अलॉन्ग कर पाएँ, क्योंकि ये चलता है ब्राउज़र पर और ये अपने क्लाउड पर चलाते हैं। इसकी टेंशन आप मत लो कि ये कैसे काम करता है, अभी हम जावा स्क्रिप्ट समझने यहाँ पर आए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि दिस इज वेरी सिमिलर टू द कंटेनर्स यूज टू स्टोर राइस वाटर एंड ओट्स, ठीक है, एक एनालॉजी की तरह ट्रीट करना। बहुत सारे लोग दिल पे ले लेते हैं, ठीक है, तो दिल किडनी और पता नहीं कहाँ कहाँ ले लेते हैं यार, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और मैं लिखता हूँ वेर ए इज इक्वल टू 67। अब यहाँ पर मैं एक वार्निंग दूंगा आपको, ये मैंने वेर तो लिखा है लेकिन हम वैर को यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि वैर को यूज़ किया जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, और बेटर होगा मैं लेट को इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अगर आपने पुराना कोई जावास्क्रिप्ट का कोड देखा होगा तो आपको वैर देखने को मिलेगा वहाँ पर, लेकिन मैं लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। वैर को भूल जाते हैं अभी के लिए, लेट का इस्तेमाल करते हैं हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। ए कंटेन्स 67, ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा अगर, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा 67, ठीक है। मैं पता है बहुत बेसिक्स बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए बेसिक्स बता रहा हूँ जिन लोगों को जावास्क्रिप्ट बिल्कुल भी नहीं आती, तो देखो यहाँ पर 67 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू हैरी लिखूँ तो अब इसका टाइप जो है वो एक स्ट्रिंग हो चुका है, ठीक है। अब क्योंकि इसका टाइप स्ट्रिंग हो चुका है तो ये हैरी होल्ड कर रहा है, तो क्या मैं अगर कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा, ठीक है, इस तरह से रन करूँ इसको, तो क्या 67 फिर हैरी प्रिंट होगा? एब्सोल्युटली यस, वही प्रिंट होगा। देखो यार कुछ लैंग्वेजेस इस चीज़ को अलाउ करती हैं, कुछ लैंग्वेजेस अलाउ नहीं करती हैं। जावास्क्रिप्ट अलाउ कर रही है, साफ दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अलाउ करती है एक वेरिएबल के टाइप को रन टाइम पर चेंज करना, यानी कि मैंने ए को 67 करा पहले, फिर उसके बाद मैंने ए के अंदर हैरी डाल दिया। अगर मैं ए के अंदर कोई और टाइप डाल दूँ तब भी ये चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर एक नंबर कंटेन करने वाला वेरिएबल बना रहे हो तो नंबर ही उसमें डाल सकते हो, बाद में स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, डाल सकते हो। लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज के अंदर अगर आप लोग ये करने की कोशिश करोगे तो सी लैंग्वेज आपको दरवाज़ा दिखा देगी, कहेगी दरवाज़ा वहाँ पर चले जाओ यहाँ से, ठीक है, मतलब एरर दिखा देगी, ठीक है। तो आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह का काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से ये चीज़ काम कर रही है। देखो जब हम वैर ए इज इक्वल टू 7 या फिर लेट ए इज इक्वल टू 7, वैर लेट कॉन्स्ट ये मैं आपको अभी आने वाले टाइम में बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होना। आप वैर भी यूज़ कर सकते हो, मैं वैर भी यूज़ करूँगा तो कुछ नहीं बदलेगा, ये वैसे के वैसे ही चलेगा प्रोग्राम, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे इसकी वैर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। मैं एकदम बिल्कुल फाउंडेशन स्ट्रांग बनाकर आप लोगों को अगर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उड़ा दूंगा यहाँ पर तो जो लोग बिल्कुल बेसिक नहीं जानते उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर कोई इसको समझ पाए। वेर इज इक्वल टू 7 जब मैं लिखता हूँ तो 7 जो है वो लिटरल एक, ठीक है। मैं इसको ज़रा जूम इन करता हूँ, और ये जो प्रक्रिया है वो है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स की प्रक्रिया, यानी कि मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ। ए को हम आइडेंटिफायर कहते हैं, ये आप कुछ भी नाम रख सकते हो, और इक्वल्स टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि ये कहता है कि भाई ए के अंदर 7 को स्टोर कर दो। मैं ए के अंदर 8 भी स्टोर कर सकता था, मैं डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग लिटरल रख सकता हूँ। लिटरल का क्या मतलब है? एक कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, जैसे कि 7 हो गई, या फिर मैं कैपिटल एच या डबल आर वाई हैरी लिख दूँ डबल कोट्स के अंदर, वो एक लिटरल है, वो एक स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। अब देखो
किसी भी वेरिएबल को जब आप बनाते हो तो उसके नाम को चूज़ करने के लिए आप लोगों को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो उन रूल्स के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन अलाउ होते हैं, ठीक है। डॉलर से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हो, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ लेट 8 हैरी इज इक्वल टू 7, ये बोलेगा भाई नहीं, नॉट अलाउड, दिस विल थ्रो एन एरर। आई होप कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है रैपलेट वाली, ठीक है, तो थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं, अगर किसी को नहीं दिख रही है तो, बाद में मैं नहीं चाहता शिकायतें आएँ कि यार ये क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, पहले चला के दिखाता हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को दिखेगा यहाँ पर कि एक एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, ये कह रहा है कि यहाँ पर सिंटेक्स एरर है, ठीक है। अब ये सिंटेक्स एरर क्या है वो मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा, और अब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि चल रहा है, देख लो, ठीक है, चल रहा है 67 हैरी, ठीक है। तीसरा रूल क्या है, जावास्क्रिप्ट रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। अब अगर आप लोग स्मार्ट बनने की कोशिश करो, आप कहो कि यार मैं वैर के नाम से बना दूँ, लेट वैर इज इक्वल टू 7 कर दूँ, नहीं, वैर जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड है, ठीक है, कुछ नाम रिजर्व्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कुछ कीवर्ड्स रिजर्व्ड हैं, वो आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कमेंट आउट कर दूंगा ताकि प्रोग्राम मेरा चले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रैपल चलाते ही आपको एरर मिले, नहीं, ऐसा नहीं चाहता मैं। अब देखो, केस सेंसिटिव होती है जावास्क्रिप्ट, अगर मैंने कैपिटल एच ए डबल आर वाई बनाया, फिर एच ए कैपिटल आर वाई बनाया, दो अलग अलग वेरिएबल के तौर पर इनको ट्रीट किया जाएगा, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, याद रखना हमेशा, ठीक है। तो मैं एक हैरी बना सकता हूँ, इसी में अगर मैं कैपिटल कर दूँ वाई को, वो एक दूसरा वेरिएबल बना सकता हूँ, और इस तरह से मैं बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना मत अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स में, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा करोगे तो रीडेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है प्रोग्राम, क्योंकि आप तो इंसान ही हो ना, आप तो हैरी को हैरी पढ़ोगे चाहे कोई भी केस हो, तो रीडेबिलिटी कम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी प्रोग्राम की, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, आई होप समझ में आ गया आप सबको, ठीक है। आने वाले वीडियो में हम लोग वैर, लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस समझेंगे, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़ करता है, तो मैं टाइम लेके आप लोगों को अगले वीडियो में इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ये अल्टीमेट जावास्क्रिप्ट कोर्स को एक्सेस करें, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और अगर मान लो नहीं मिल रहा है ना डिस्क्रिप्शन में, अरे चैनल खोलो, प्लेलिस्ट पर जाओ, प्लेलिस्ट पर जाकर सिंपली यहाँ पर व्यूफुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करने का सिंबल है, ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करके बुकमार्क करो इसको, और यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव कर दो। और अगर आप लोग मुझे रैपलेट पर फॉलो करना चाहते हो तो इस रैपल का लिंक तो मिल जाएगा, आप खोलना रैपलेट पर, मुझे फॉलो ज़रूर करें, ठीक है। 300 लोगों ने फॉलो किया, 305 फॉलोअर्स हो गए, काफ़ी तेज़ी से लोग फॉलो कर रहे हैं रैपलेट पर मुझे, तो दिल से अच्छा लग रहा है, सच्ची बता रहा हूँ, दिल से अच्छा लग रहा है, तो फॉलो कर देना यार, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो फॉलो करना तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगा, अच्छी कम्युनिटी है, आप यहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। आने वाले वीडियोज़ में भी मैं यूज़ करूँगा रैपलेट को, और आने वाले कोर्सेज में भी यूज़ करूँगा, मुझे काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस लगता है रैपलेट पर, ठीक है, बढ़िया लगता है सब कुछ। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया, ये नोट्स जो है इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और आने वाले वीडियो में आप लोगों को लैट, वैर और कॉन्स्ट में प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आई होप कि आप लोगों को वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक बात और बोलना चाहूंगा जाने से पहले, कि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि यार हमें तो ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं बस फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को लगता भी है ना कि ये चीज़ आपको आती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमेशा आप लोग देखोगे अगर मेरे वीडियो को, तो आपको नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा लेवल को बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एक टाइम पर मैं आप लोग को इतनी एडवांस चीज़ें बता रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की, कि आप भी कहोगे कि यार मज़ा आ गया, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में इतने, गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.